प्रणाम, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल सास बहू की जोड़ी व्लॉग्स। अभी आप मुझे ऐसे देख रहे हैं वो मैं आपको बता दूं, मैंने हेयर मास्क लगा रखा हुआ है इसलिए मेरे बाल थोड़े कड़कड़े से हो गए हैं। और मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज भाभी अपने मायके जा रही हैं दोनों बच्चों के साथ, फर्स्ट टाइम जा रही है। वैसे गई तो हैं पर आज छोटा बच्चा पहली बार मायके जा रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी क्या क्या तैयारी हो चुकी है। अब देखते हैं क्या हो रहा होगा। ये देखिए पापा मम्मी तो रेडी हो रहे हैं और ये देखिए दीदी आ गई हैं हमारी। प्रणाम, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। और जैसे कि आप लोग जैसे कि मैंने बता दिया कि दीदी मायके जा रही हैं, तो आपको कैसा लग रहा है बताइए। अच्छा लग रहा है, वैसे मन तो जाने का नहीं है पर अब जब तैयार हो गई हूँ तो मन कर रहा है कि कब जाऊँ। अब मम्मी का रिएक्शन देखते हैं। मम्मी गलत गलत मम्मी आप नमस्ते जी, कैसे हो आप सब लोग। देख रहे हो हमारे बच्चे, हमारी बहू मायके जाने के लिए तैयार नहीं होती, बड़ी मुश्किल से घोंच घोंच के मैं इनको तैयार कर रही हूँ मायके जाने। सीरियसली गाइस, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। इसके नानी नाना जो है बच्चों को देखने के लिए तरस रहे हैं पर जाने को राजी नहीं, इसलिए जो मैं भेज रही जा रही हूँ। बोलो बच्चों के साथ रहने के लिए तरस रहे हैं। रहने के लिए तरस रहे हैं, पापा जी काफी फोर्स कर रहे हैं मुझे, बेटा आजा आजा आजा, मम्मी इतना नहीं जितना पापा जी कर रहे हैं। तो मैंने बोला चलो पापा जी अगर फोर्स कर रहे हैं इतना तो चलो नहीं जाना है। अभी कुछ पता नहीं है कितने टाइम तक मैं रहूंगी, हो सकता है मन ना लगे तो कल आ जाऊँ, परसों आ जाऊँ, जब भी आ जाऊँ पता नहीं है। वहाँ पर जाके फिर मैं आपको अपने मम्मी डैडी से मिलवाती हूँ और अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं इस ब्लॉग में। और आप हमें बताइए कि आपने क्या क्या पैकिंग की है। पैकिंग के लिए आ जाइए, आपको दिखाते हैं क्या क्या पैकिंग की है हमने। बच्चों के ही हैं कपड़े, ये मेरा बैग है जिसमें डायपर्स वगैरह हैं बच्चों के। सबसे पहले मैंने आपको इस चीज़ से शुरुआत की है, उसके बाद बगल में ये बैग है मेरा, तो इसमें जैसे कि बच्चों के कपड़े हो गए, मेरे कपड़े हो गए, शॉल वगैरह, ये सारी पहले ही मैंने ऑलरेडी पैकिंग कर चुकी थी। अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैंने रखना है, सिर्फ छोटे के डायपर हैं वो इसमें रखने और ये इस बैग में चले जाएगा और ये बैग पैक हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम। हम सब जो है आज जो है हमारे गांव की एक मीटिंग होती है जिसमें कि हम गांव के सभी बड़े बूढ़े छोटे सब बच्चे सब जो है सम्मिलित होते हैं उसमें, और गांव की एक छोटी सी मीटिंग है तो मीटिंग डाल रखी है हमने, तो इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड जो है उस गांव की मीटिंग में जा रहे हैं। और जो है हम मीटिंग से आएंगे देखेंगे, तो हमारा घर तो खाली हो रखा आज, पोते जो है नानी के घर। मम्मी रोना मत प्लीज। नहीं नहीं हम रोते नहीं है क्योंकि हम तो तुझे हमें पता है तूने दूसरे तीसरे दिन इसने वापस आ जाना ही रहेगी नहीं वहाँ। मतलब कि पता भी हाँ। मम्मी को मैंने दूसरे तीसरे दिन वापस भी आ जाना है। हाँ गाइस, कुछ पता नहीं है मेरा क्योंकि मैं जाकर वहाँ पर ऐसे अगास से बैठ जाती हूँ, मेरा मन नहीं लगता है, बहुत सारी चीजें होती है। पर अब देखो बच्चे हैं तो क्या पता मन लग जाए, वैसे तो मुझे नहीं लगता लगेगा। तो जब भी मैं आऊंगी उसका भी ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और जब मैं वहाँ पहुंचूंगी तो भी मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस ब्लॉग में। और मैंने ये वाला सूट पहना है जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सूट मुझे मेरे भाई ने दिया था रक्षाबंधन में गिफ्ट, तो मैं यही सूट पहन के जा रही हूँ अपने घर में। और ये मैं पहले पहन चुकी हूँ पर ब्लॉग में शायद ये पहली बार पहना है मैंने, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। ये और यहाँ पे मम्मी तैयार हो रही है, ये बहुत ही सुंदर साड़ी लगती है मुझे ये मम्मी। वाह मम्मी का हेयर स्टाइल देखो कितना सुंदर है। अरे मम्मी का हेयर स्टाइल क्या होगा, कभी रहा होगा जमाने में, अब तो ये उतर उतर के पूंछ बनी हुई है। और गाइस मेरे भी ऑलमोस्ट बाल झड़ चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हो, मेकअप तो किया है मैंने लेकिन दिख नहीं रहा होगा, शायद दिख भी रहा होगा तो मैं उसको रिमूव कर रही हूँ। और मेरे जाने के बाद जो मेरी छोटी बहन है यानी कि मेरी देवरानी, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, उसे रो रही। जब ये जाएगी ना इसके जाने के बाद हम दो कन्याएं बच जाएंगी, दो बुजुर्ग कन्याएं, एक मैं और एक मेरी ये छोटी वाली बहू। कोई ना जाए बस हम दो रह जाएंगे फिर। मम्मी कह रही फुंड सैर सड़ जा तू फुंड चले जा तू फुंड सैर का मतलब साइड हटो साइड हटो। और एक चीज तो मैं आपको दिखाने ही भूल गई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरा मेकअप किट। ओ माय गॉड, मेकअप के बिना तो मैं अधूरी हूँ। हम इसका भी अलग से व्लॉग बनाएंगे कि हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं, एक बार हम आपको मेकअप ट्यूटोरियल बताएंगे। आई होप हम अच्छे से ही मेकअप करते हो। हाँ ये बताएंगे हम आपको कौन कौन से प्रोडक्ट लगाते हैं, लेकिन पहले एक हिंट दे दो, सारे लोग लगाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है,
बनाएंगे हम आप लोगों के साथ, ये वाला ब्लॉग भी शेयर करेंगे। बट अभी मुझे काफी लेट हो चुका है और जाते हैं, बाय बाय। बोल दो। मैंने अपना मेकअप तो आपके साथ शेयर कर लिया था कि मेरा मेकअप किट ये है। मम्मी का देखना, इतना अच्छा तो आपने कभी नहीं देखा होगा, और इतना ग्लो मम्मी इसी वजह से मारती है। दिखाओ मम्मी, ये है मेरा मेकअप का ब्रश, देखिए ये पेंट करते हैं। तो क्या हुआ गाइस, ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये है मेकअप का ब्रश जिससे मैं दरवाजों का मेकअप करती हूँ, कभी कभी अपना जोड़ करती हूँ, अपना नहीं करती। इसी से जो मेरा भी हो जाता है जो धूल उठती है तो, क्योंकि आज तक तो हमने कभी कुछ लगाया नहीं। हमारी जो है ओरिजिनल ब्यूटी है, 60 साल तक भी हमारी ओरिजिनल ब्यूटी। ठीक है, बाय। हेलो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ, ये मेरी फैमिली है, और मैं अंदर जा रही हूँ, तो मिलते हैं आपको अंदर जाकर। ये मेरी फैमिली है और ये भाई। तो जैसे कि मैंने आपको आज के ब्लॉग में दिखाया था कि मैं मायके आ चुकी हूँ और वहाँ पे मुझे कुछ दिन रहना है, क्योंकि पापा जी का काफ़ी मन था बच्चों से मिलने का, तो मैं इसलिए आई हूँ। वैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं था आने का, और बहुत कम ही आती हूँ मैं अपने घर में, बट फिर भी क्या बोलते हैं, पापा जी के कहने से मैं आ गई हूँ, क्योंकि चलो भाई मन होता है मिलने का, काफ़ी बच्चों नहीं मिलते, बल्कि तो बहुत कम ही मिलते हैं बच्चों से, तो मैं दोनों को लेकर मायके आ रखी हूँ। और अब मैं कुछ दिन यहीं पर ही रहूँगी, पता नहीं कितने दिन रहूँगी या कब जाऊँगी, मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है अभी। और हम सब लोगों ने खाना खा लिया है, अभी रात के 9:30 हो रहे हैं, और हस्बैंड मेरे जा चुके हैं। बट एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने जो मम्मी ने खाना बनाया था हमारे लिए, उस चीज़ का भी मैंने ब्लॉग शूट करा था, बट बाय मिस्टेक जो है वो कंप्यूटर, तो इस वजह से मैं उसको नहीं डाल सकती, तो उसके लिए वी आर वेरी सॉरी। बट आज का ब्लॉग आप इंजॉय करिएगा, और मैं आपसे ये मेरे पापा जी हैं जो कि चले गए हैं, आज का ब्लॉग आप प्लीज़ इंजॉय कीजिएगा, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, प्रणाम। बिल्कुल, तो समझ ही नहीं आते। आज हम लोग जो है गांव की मीटिंग में आए हुए हैं, और यहां पे हमारे गांव की बहुत सी महिलाएं जो है उपस्थित हैं, जिन आज जिनके घर हम आए हैं वो हमारे चाचा जी हैं, और उनके मकान का मतलब ले तो लिया था उन्होंने, लेकिन उद्घाटन समझ लो हम ही लोगों ने किया है। और इस अवसर पे उन्होंने जो है आज डिनर का भी प्रबंध किया, ये जो है मकान मालिक है ना, और ये बहू है उनकी, और ये जो है मकान मालकिन है, और हम लोग से जो है हम तो है अभी कुछ देर हो गई है तो, लेकिन ये यहाँ पे मतलब जो भी खाना रखा हुआ है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बच्चे हैं अभी खाना खा रहे हैं, हम लोगों ने तो खाना खा लिया है, और ये किचन भी है, और थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गई है, लोग तो काफी आ गए थे लेकिन कुछ लोग घर चले गए हैं, कम ही लोग रह गए, लोगों ने खाना खाया था भग लिए, हाथ हाथ घर में साफ करने के लिए चले गए लोग आगे। हमारे घर के अब कमी लोग रह गए हैं, अधिकतर लोग घर चले गए हैं, जो इन्होंने खाना खाया रात को उठे पे समझे बग लिए जे। जैसे जहाँ के हमें दीदी, अब हमारी तुम लोहड़ी है ना, लेकिन यही सब तुम दूसरी तरफ बोलो, मतलब हमारे यहाँ तो ऐसी बोलते खड़ी बात होते, हम तो खुद भी यही सुनते, लेकिन दूसरी तरफ आ जाते गाल गंदी नहीं बनू चौथ पढ़ू जो होता है अपनी।